अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है लर्निंग के चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त मसूद अहमद शमसी। और आप सभी लोगों को पता है कि रियल क्रिकेट 19 का एक धमाकेदार बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेलर रिलीज़ किया गया है, जिसमें रियल क्रिकेट 19 के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन दोस्तों, कल के दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी था और आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं अपने पापा को लेकर गया था एम्स में, उनका इलाज चल रहा है, उस टाइम पर मैं वीडियो नहीं बना पाया। अभी 4 बज रहे हैं रात के, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि सुबह तक ये वीडियो आ जाएगा। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पापा के लिए थोड़ी सी दुआ कीजिएगा कि उनकी सेहत हो जाए अच्छे से, और मैं दुआ करता हूँ आपके पेरेंट्स के लिए कि वो सेहतमंद रहें, हमेशा खुश रहें और आपके साथ रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में कि किस तरीके का ट्रेलर है, उसमें क्या क्या चीज़ मेंशन की गई है, किस तरीके का रियल क्रिकेट 19 गेम होने वाला है। तो बस इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल टाइम मल्टीप्लेयर की, वो कैसा होगा अंदर से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस हिस्से में आपके सारे फ्रेंड जिन्हें आपने फ्रेंड बनाया हुआ है, वो उनके सारे नाम, उनकी रैंक यहाँ पर दिखाई देगी, उनका नाम दिखाई देगा, उनका स्टेटस क्या है, वो ऑनलाइन है कि नहीं है, ये सब दिखाई देगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही फ्रेंड दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आप किसी भी फ्रेंड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपके पास कि आप उसको इन्वाइट करना चाहते हो या उसको रिमूव करना चाहते हो। तो यहाँ पर ये सारा ऑप्शन आ जाएगा और वो उसका स्टेटस भी दिखाई देगा कि वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। उसी के साथ में नीचे की तरफ आपको रूम आईडी बनाने, रूम आईडी शेयर करने का ऑप्शन यहां पर मिल जाता है और रूम ज्वाइन करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही आप इनवाइट करोगे तो यहां पर जो इनवाइट का ऑप्शन है वो सीधा जाएगा दूसरे फ्रेंड के पास में और बिल्कुल पबजी की तरीके से उसके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी कि क्या आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। लेकिन जैसे ही वो फ्रेंड आपका एक्सेप्ट करेगा और दोनों आपस में कनेक्ट होकर मैच खेल सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा फीचर है। अब अगले फीचर की बात करें जिसमें आप स्क्वाड बना सकते हैं, और यहाँ पर जो स्क्वाड बना सकते हैं उसके अंदर काफ़ी डिटेलिंग में अगर हम जाके देखें तो बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ देखने को ये मिल रही है। जो प्लेयर्स हैं उनकी अपनी अलग अलग स्किल है और अपनी अपनी चीज़ों को यहाँ पर नंबर्स में कन्वर्ट किया गया है। यानी कि यहाँ पे डेन ब्रावो हो, जिनकी टेक्निक को 72 मार्क्स दिए गए हैं, टाइमिंग को 68 और यहाँ पे स्किल को 68 दिए गए हैं और मोमेंट को 70। तो इस तरीके से आप बैट्समैन को पहचान सकते हैं कि कौन सा बैट्समैन अच्छा है, और इसी तरीके से बॉलर्स को भी यहाँ पर रेटिंग दी गई है काफ़ी अच्छी तरीके से, और उसी के हिसाब से आप अपने प्लेयर्स को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर चूज़ करने के बाद अपना कैप्टन अपॉइंट कर सकते हैं, फिर उसके बाद मैनेज 60 का ऑप्शन है, और तीसरा है डिक्लेयर, अपनी टीम को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही डीपली जाके यहाँ पर इन सारी चीज़ों को बनाया गया है, जिससे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब दोस्तों, जर्सी चेंज करने की बात करें तो यहाँ पर जर्सी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना रियल मनी देने पड़ेंगे, बाय करना पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ करेंसी भी दे रखी है, MPS और MCS। MCS से आप बैट चेंज कर सकते हैं, बैट को बदल सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर हमें गेम प्ले भी दिखाया गया है, जिसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं काफ़ी अच्छे ग्राफिक और बहुत ही अच्छी डिटेलिंग, और यहाँ पे कैमरे एंगल भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगला जो फीचर है बड़ा कमाल का है और अभी तक किसी भी गेम में नहीं आया है, ये है टूर सेटअप का। यानी कि आप अपने ही आप एक टूर सेटअप तैयार कर सकते हैं। यानी कि जैसे कोई टीम, यानी इंडिया की टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया, उसमें वो 2 टेस्ट खेलेगी, 5 वनडे खेलेगी और 3 T20 मैचेस खेलेगी, तो वहाँ पर आप पूरा वेन्यू तैयार कर सकते हैं, यानी कि कौन सा टेस्ट किस ग्राउंड में होगा, किस तारीख को होगा, और यहाँ पे कौन सा ODI किस तारीख को होगा, किस मैदान में होगा T20, यानी कि सारा का सारा टूर सेटअप वेन्यू आप खुद अपने हाथों से तैयार कर पाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये फीचर। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे न्यूज़ का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि न्यूज़ का फीचर जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या ऐसा होगा कि मैं एक मैच में सेंचुरी मारूं और ये बात न्यूज़ वाले फीचर में रिकॉर्ड हो फोटो के साथ में? तो दोस्तों, अगर ऐसा होता तो भाई कमाल धमाल फीचर यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। और साथ ही यहाँ पर कैंपेनिंग होम भी दिया गया है, जिसके अंदर आप चल रही सीरीज़ के बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं, कितने टेस्ट मैच खेले हैं, कितने लूज़ किए हैं, ODI कितने हुए हैं, T20 कितने हुए हैं, और भी बहुत सारे फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही
दोस्तों आईपीएल ऑक्शन के अंदर जो प्लेयर लिस्ट है उसको अपडेट किया गया है। कुछ नए प्लेयर जो इस साल आईपीएल में जुड़े हैं उनकी लिस्ट आपको यहां पे देखने को मिलेगी और साथ ही बॉलिंग एक्शन में भी सुधार किया गया है। 15 न्यू बॉलिंग एक्शन जोड़े गए हैं फास्ट बॉलर के भी और साथ में यहां पर जो स्पिनर हैं उनके भी यहां पर 15 न्यू बॉलिंग एक्शन इंक्लूड किए गए हैं। और साथ ही दोस्तों जिस तरीके से आप जानते हैं कि कुछ नए स्टेडियम भी इंक्लूड किए गए हैं और ये है वेलिंगटन का स्टेडियम जो बहुत ही कमाल है, सुपर डुपर डिटेलिंग के साथ में बनाया गया है। और ये वाला स्टेडियम जिसका नाम तो नहीं पता लेकिन ये भी बहुत ही कमाल लग रहा है। इसके अंदर काफ़ी सारी डिटेलिंग की गई है, रियलिस्टिक ग्राफिक से लग रहे हैं और इसमें शेडो लाइटिंग वगैरह सब कमाल की है। साथ ही यहाँ पे अपग्रेड किए गए हैं ग्राफिक, डिजिटल एड बोर्ड इंक्लूड किया गया है और अपडेट जर्सी की गई है। तो डिजिटल एड बोर्ड की बात करें जो बाउंड्री पे लगे रहते हैं जिसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिक एड्स बदलते रहते हैं जो ये है और ये कमाल चीज़ है दोस्तों, आज तक मैंने कभी किसी भी गेम में नहीं देखी। साथ ही 75 न्यू फेसेस यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ सरप्राइजेज भी देखने को मिलेंगे जो अभी रियल क्रिकेट 19 के लिए रिवील नहीं किए गए, तो ये गेम आने के बाद में पता चलेगा। और साथ ही हम लोगों को मिलेगा स्नीको, यहाँ पे हॉटस्पॉट और हॉकाई जो कि यहाँ पर थोड़ी सी इम्प्रूव और फास्ट हो गई है जो हमें टाइम बचा देगी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो रैन का फीचर है उसको भी थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। जब रैन होगी तो यहाँ पर उसकी बूंदे कैमरे पे पड़ेंगी तो उसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों फ्लैश लाइट हो या फायरवर्क्स हो उसको अपग्रेड करने की कोशिश की गई है और बहुत ही जबरदस्त ये रियल क्रिकेट 19 का अपडेट आने वाला है। और दोस्तों इस गेम की रिलीज डेट 15 अप्रैल बताई जा रही है लेकिन न्यूटलेस कंपनी का रिकॉर्ड है कि वो एक दिन पहले ही गेम को रिलीज कर देती है अपनी बताई हुई डेट से, तो बस बहुत कम दिन रह गए हैं। तो दोस्तों ये इस ट्रेलर के अंदर आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी वो जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए इसी तरीके के वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थोड़ा सा लेट वीडियो है उसके लिए सॉरी, बिग बिग सॉरी। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।